मसीह के जिंदा जलाली राम में आप सबकी सलामती हो। सेफ लाइफ टीवी आज कैथलिक चर्च के साथ है और फनफेयर का प्रोग्राम हो रहा है और फादर कैसर हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं क्रिसमस के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी तो आसमान से फरिश्तों के ग्रह में एक महिमा गाया था कि आलम बाला पार खुदा की तंजीम और जमीन पर नील के राजे के आदमियों के लिए अमन। तो जिस हालात से दुनिया गुजर रही है इसमें सारी दुनिया के तमाम इंसानों को नेक इरादा रखने की अशद जरूरत है क्योंकि इसके बगैर अमन नामुमकिन है। तशद के इरादे खुदगर्जी बदला लेने के और गलत तरीकों से अपने अजायम हासिल करने के हथकंडे ये दुनिया के अमन और सलामती को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो अमन को इस दुनिया की अशद जरूरत है, इस दुनिया को अमन की अशद जरूरत है और ये अमन जो है खुदा का तोहफा है और तमाम इंसानों को चाहिए कि तोहफे की कदर करें। और ये सही मसीह जो अमन और सलामती है वो अमन और सलामती बनकर इस दुनिया में आता है ताकि इस दुनिया में पाए जाने वाले सुरक्षक को अमन और सलामती में बदल दे। ये सही मसीह को दुनिया में पैदा होना और तमाम इंसानों के लिए दावत है कि हम एक दूसरे के लिए अमन का वसीला बने। और आप न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आजकल माँ बाप के साथ बिहेवियर नहीं सही करते? बच्चों को चाहिए कि माँ बाप के ताबे रहें और उनकी इज्जत करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो बच्चे माँ बाप की इज्जत करते हैं उनकी ताबेदारी करते हैं खुदा उनको बड़ी बच्चे देता है और उम्र की दराजी अता करता है। थैंक यू सो मच, आपने सेफ लाइफ के साथ कोऑपरेट किया। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियों में मुबारक हो। आज से लॉरेंस स्कूल ने ये फन फेयर जो है ये क्रिसमस के हवाले से किया है और आप देख रहे हैं कि बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया और क्रिसमस की खुशियां जो है वो सब मिलकर बांट रहे हैं आप उसमें। और से लॉरेंस स्कूल जो है ये हमारे इस गोल्डन टू के एरिया का हम कोशिश कर रहे हैं और बड़ी हद तक हम कामयाब है कि हमारे प्रिंसिपल सर स्टील साहब रेवरेंड फादर फ्रांसिस ओडेन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेंट लॉरेंस स्कूल गोल्डबर्ग स्कूल का बेस्ट स्कूल कहलाए और उम्मीद है कि आप सब ने बड़ा एंजॉय किया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी सारे पेरेंट्स और सारे बच्चे हमारे साथ पालन करेंगे। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम राकेश जॉर्ज है और मैं क्लास 6 की बच्ची हूँ और ये सेंट लॉरेंस हाई स्कूल है और मैं कहना चाहूँगी हमारे तमाम स्कूल स्टाफ की तरफ से और फादर जी की तरफ से मैरी क्रिसमस। शुक्रिया। शायद एक प्यारी सी फैमिली है, उनसे पूछते हैं हम कि वो आज क्रिसमस के मौका पे और क्रिसमस के बारे में क्या कहना चाहते हैं।
हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और इस क्रिसमस के मौके पर मैं आप लोग को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग क्रिसमस बहुत ही ब्लेसिंगफुल हो, बहुत ही हैप्पी वाला हो, और मेरी तरफ से सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ हूँ। मैं क्रिसमस के बारे में ये आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस में बहुत इंजॉयमेंट खुदा यीशु मसीह इसमें आता है, हमारे लिए बहुत खुशी का त्यौहार होता है। तो मैं आपको ये चेक करना चाहता हूँ कि आप मेरे तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। क्रिसमस के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आज यीशु मसीह हमारे पैदा हुए थे क्रिसमस के डे पे, तो ये सबके लिए बहुत अच्छा एक इवेंट है। तो आप सबको मुबारक करता हूँ। थैंक यू। हमारे साथ बड़ी प्यारी सी टीचर है जो बच्चों को गीतों की प्रैक्टिस करवाती है और टीचिंग करती है, और बच्चों को नहायत दिली से शौक से सिखाती भी है। तो हम उनकी मुंहज़ुबानी सुनते हैं कि वो क्या कहती है। मसीह में सबको सलाम। मैं आज ये कहना चाहूँ कि यहाँ पर हम आज क्रिसमस के प्रोग्राम में सब जमा हुए हैं, तो खुदा ने हमें 2-3 साल बाद ये मौका दिया कि हम क्रिसमस को मना सकें और सब मिलजुल कर खुशियाँ मना सकें खुदा यीशु मसीह के आने की खुशी में। तो हम सबको बढ़ चढ़ कर आगे इन कामों में हिस्सा लेना चाहिए, तब उन बच्चों के लिए भी जो ये प्रोग्राम नहीं मना सकते, ये इन चीज़ों में या खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, हमें उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए कि वो भी खुदा के कामों में या खुशियों में शरीक हों। और यहाँ पर हम इंजॉय करें, ये क्रिसमस का प्रोग्राम है, बच्चे सारे बहुत इंजॉय करें। और यहाँ पर पता चल रहा है कि काफ़ी देर के बाद सब बच्चे बहुत खुश हैं और क्रिसमस की खुशियों में शामिल हैं। थैंक यू। गाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। गाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए और अपना करेंगे। 792 792 792
792 792 किसका है जी? अगर ये नहीं है तो हम पर्ची फाड़ देंगे, अगली पर्ची निकालेंगे। नहीं है। एक पांच तक गिनेंगे हम। 792 नहीं 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 एक दो और तीन पर्ची कैसे करते हैं? अगली पर्ची जी। हाँ जी अपनी पर्ची अपने हाथ में रखें। यस बेटा इसको नीचे करो। 703 703 यस 703 बाजी अपने दस्ते मुबारक से। ये अनम मुनीर हमारी बच्ची है, क्लास सेवन की बच्ची है, इसके लिए भरपूर तालियां। थैंक यू वेरी मच। अगला एक और इनाम मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। अभी हमारे दो इनाम रहते हैं बड़े वाले, बम्पर प्राइस अभी रहते हैं। प्लीज 881 881 881 881 ग्रेट सुलेमान के लिए तालियां। ये क्लास फोर का स्टूडेंट है हमारा, मैडम मरियम अकील का ये स्टूडेंट है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सो फादर जी के लिए भरपूर तालियां क्योंकि उन्होंने हमारी खुशियों में इजाफा किए हैं, और हम इनके लिए दुआ करेंगे खुदा इनको और ज्यादा तरक्की और लंबी जिंदगी दे ताकि हमारी रहनुमाई करती रहे करते रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। 754 किसके पास है? वेरी गुड तालियां इनको। बैग स्कूल बैग मिस्टर बुशारत प्लीज आपकी तालियां तो बजनी चाहिए यार, इतना खूबसूरत बैग। क्लास फोर की बच्ची है। अच्छा क्लास वन की बच्ची है नीना, अफीफा की क्लास में से हो। टीचर्स ने कोई पर्ची या कोई लॉटरी टिकट नहीं खरीदी, उसकी वजह ये थी कि हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे प्राइजेस जो हैं वो हमारे पेरेंट्स और बच्चों के पास जाएं, तो इसलिए ये 13 लोग जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं उनके पास पर्चियाँ नहीं, उनकी नहीं निकलेंगी। तो आप तालियां बजा सकते हैं कि हमने कितनी ईमानदारी से ये सारा काम किया है। सो थैंक यू वेरी मच। हैप्पी कपल। आज हमारे सेंट जॉन्स हाई स्कूल के अंदर क्रिसमस का प्रोग्राम जो है उसका मुनक्किद किया गया है, और इसमें बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं, फन फेयर शो किया गया है, और ज़्यादातर यहाँ पर जो बच्चे जो हैं वो क्रिश्चियन के साथ साथ मुस्लिम बच्चे भी मौजूद हैं, वो भी उनकी खुशियों में यानी कि बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। डांस प्रोग्राम हो रहे हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, और इसके अलावा स्टॉल जो है बहुत मशहूर प्राइसेस पर लगाए गए हैं ताकि सारे बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें। हमारे साथ बड़ी प्यारी सी टीचर है जो बच्चों पे बहुत दिल तोड़ मेहनत कर रही है, और हम इनसे पूछते हैं ये क्रिसमस के और अपने बच्चों के बारे में क्या कहना चाहती है। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप सबसे पहले हमारे स्कूल आ पाई हैं और हमारी खुशियों का आपने दुबाला किया। मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। स्कूल के हवाले से मैं बात करूँगी तो कोरोना की वजह से 2.5 साल हमारे बच्चे डिस्टर्ब रहे हैं, तो फादर जी ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना बच्चों के लिए प्रोग्राम्स ऐसे किए जाएं जिसमें बच्चे थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करें, खुश हो जाएं। सो इसलिए ये क्रिसमस के हवाले से भी और बच्चों को भी मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया, तो खुदावंद का शुक्र है कि बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम सारा यानी कि सारा अंजाम पाया है और बच्चे भी बहुत हैप्पी हैं। क्रिसमस के हवाले से मैं ये बात करूँगी कि खुदावंद यीशु मसीह अमन का शहजादा है, और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आकर उन्होंने पूरी बरकत को बताया कि अमन यानी कि अमन का पैगाम खुदावंद ने दिया कि अमन से ही दुनिया कायम है और दायम है। इसलिए हम खुदावंद के शुक्र गुजार हैं कि वो हमें अच्छे अच्छे मौके मुहैया करता है हमारी जिंदगियों में, ये उसका शुक्र है। और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बड़ी प्यारी सी फैमिली मौजूद है जिनसे हम पूछेंगे कि क्रिसमस के हवाले से वे क्या कहना चाहते हैं और ये फनफेयर के बारे में, अपने स्कूल के बारे में। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कि बच्चों ने इन्जॉय किया। वैसे तो इतना टाइम ही नहीं होता कि हम बच्चों को कहीं लेके जा सकें, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे हमारे
आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सबसे पहले मैं गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ और तमाम मसीह बहन भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ हैप्पी क्रिसमस एडवांस कहना चाह रहा हूँ। और मैं स्कूल में आके जो कि सेंट लॉरेंस स्कूल में बच्चों का आज प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं हम लोग बहुत खुश हैं कि बच्चों को एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग ये 12वां महीना हमारे लिए खुशियों का बाइस मुबारक महीना है, तो हम लोग सब बहन भाई मसीह बहन भाइयों को मुबारकबाद देना चाहते हैं क्रिसमस की। हैप्पी क्रिसमस एंड न्यू ईयर। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया बच्चों ने, पेरेंट्स ने और सब ने, इसलिए एडवांस मैरी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस का सीजन शुरू हो चुका है, तो अब ये हमारे मसीही त्यौहार जो है इनमें ये दिसंबर का जो महीना है इसके स्टार्ट में ही एडवेंट सीजन शुरू हो जाता है। तो ये आज हमारे स्कूल में भी ये फन फेयर सेलिब्रेट कर रहे हैं और यीशु मसीह की आमद के दिनों को हम बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं हर साल, और इस साल भी हम इसी तरह जोश और खरोश के साथ क्रिसमस को मनाना चाहते हैं। और फन फेयर पे आज बच्चे हमारे जो मसीही बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और क्रिसमस की खुशियों को हमारे साथ मिलके मना रहे हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ सेफ लाइफ टीवी का कि वो आज हमारे साथ सेंट लॉरेंस के फन फेयर में हमारे साथ शरीक हैं। आज स्कूल के तमाम बच्चों ने, स्कूल के तमाम पेरेंट्स ने इस खूबसूरत प्रोग्राम में हिस्सा लिया है और क्रिसमस की खुशियों को दुबाला किया है। और क्योंकि कोविड की इसके बाद तकरीबन 3 साल के बाद स्कूल में हमें ये मौका मिला है कि हमने अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ मिलकर ये जश्न मनाया है। और जहाँ तक मुमकिन हो सका है स्कूल इंतजामिया ने कोशिश की है कि हम पेरेंट्स को, बच्चों को भरपूर जो है इंटरटेनमेंट वो दें, और मुझे लगता है कि हम इस कोशिश में कामयाब हुए हैं। मैं तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को सेंट लॉरेंस की जानिब से और तमाम ऑडियंस को क्रिसमस की भरपूर खुशियाँ जो है वो विश करता हूँ। और मेरी दुआ है कि ये क्रिसमस ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे खानदानों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमन, सलामती और खुशहाली का बायस बने। थैंक यू वेरी मच।